तो हमारे पास आया है एक सोनी का होम थिएटर का चार्जर। तो इसका प्रॉब्लम है, इसका आउटपुट कम आ रहा है जो कि कस्टमर ने बोला, तो उसको हमको देखना पड़ेगा पहले कि एक्चुअल में कम आ रहा है कि नहीं। तो मैं पावर दे देता हूँ। शाबाली पैदा लगभग 3.2 वोल्ट और ये अप डाउन कर रहा है थोड़ा सा, तो इसना 3 पॉइंट के आसपास, 2 वोल्ट के आसपास आउटपुट आ रहा है। तो चलिए इसको पहले तो खोल लेते हैं। वैसे इसको पहले ही खोला गया था शायद पहले, यहाँ पे ग्लू वगैरह लगा हुआ है। चलिए अभी देखते हैं कि एक्चुअल में इसका वोल्टेज वगैरह कितना आ रहा है। अभी डायरेक्ट हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो कई कई टाइम क्या होता है कि ये वायर भी खराब हो सकता है, तो वही 3.2 आ रहा है। ऑप्टोकपलर पर 1 वोल्ट आना चाहिए, 1 वोल्ट आ रहा है, तो ये क्या बात हुई। तो यहाँ पे बीच बीच में एक टिक टिक करके आवाज भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑप्टोकपलर पे 1 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब फीडबैक रिलेटेड यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है। कैसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को। बेसिकली ये जो 1 वोल्ट है ये अगर कंप्लीट हो गया तो ये ऑप्टोकपलर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्टोकपलर काम करता है 1 वोल्ट के आसपास, और यहाँ पे जो 143 रहता है ये काम करता है 2.5 वोल्ट के आसपास। तो बेसिकली 2.5 वोल्ट अगर उसको मिल जाएगा तो ये ऑप्टोकपलर को वोल्टेज भेज देता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस वगैरह शॉर्ट, या फिर रेजिस्टेंस तो शॉर्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कुछ हुआ है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्यों ये 3 वोल्ट पर आउटपुट दे रहा है। तो ऑप्टोकपलर का जो साफ कनेक्शन 1.4, चलिए पहले तो 2.5 वोल्ट कहाँ पे है वो ढूंढते हैं कि वही था हमारा जो 431 वो होगा हमारा 431। SMD है तो थोड़ा सा ढूंढने में मुश्किल हो रहा है। तो ये तो 431 है नहीं, ये भी नहीं है, इसके कोई भी पिन 431 तो है नहीं, फिर भी यहाँ पे 3.2 वोल्ट आ रहा है। तो क्या इसका फीडबैक पर 431 है या फिर नहीं है, ये भी देखने वाली बात है।
तो ये देखते हैं यहाँ पे एक पर 1.8, एक पर 0.8, तो शायद यहाँ पे 4-3-1 वाला सिस्टम है नहीं, जिसके कारण यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो हमारे पास एक 12 वोल्ट का फीडबैक सिस्टम है, तो वो यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 4-3-1 से वो बना हुआ है, 12 वोल्ट का फीडबैक पे ये 12 वोल्ट देना चाहिए, परफेक्ट। ठीक है, तो देखेंगे कि 12 वोल्ट एक्चुअल में देता है कि नहीं। तो यहाँ पे कैपेसिटर पर कोई भी वोल्टेज स्टोर, ये वाला कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर पर 1-3-4 वोल्ट का यहाँ पे स्टोरेज है और ये डिक्रीज हो रहा है। चलिए फीडबैक सर्किट को लगाते हैं 12 वोल्ट का, उसके बाद देखते हैं। और यहाँ पे हमको देखिए ऑप्टोकपलर को पीछे करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से वायर निकलेगा तो व्हाइट वाला इस साइड, ब्लैक वाला इस साइड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्लू वाला हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव पर लगाएंगे, ग्राउंड मतलब कह सकते हो, और व्हाइट वाला पॉजिटिव है। तो अभी इस SMPS से 12 वोल्ट निकलना चाहिए, तो देखते हैं 12 वोल्ट निकलता है कि नहीं। अगर निकलता है तो बहुत ही बड़ी बात है, ये रिपेयर हो जाएगा। इस मॉड्यूल को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके भी हम रिपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर कुछ मॉडिफिकेशन कुछ रिपेयर किया जाए तो भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा या फिर नहीं होगा अभी ये पता चल जाएगा। तो 12 वोल्ट 2.24 वोल्ट पर स्टेबल है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये बन जाएगा 20 वोल्ट के लिए, हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर इस मॉड्यूल को लगाएंगे तो। यहाँ पे 4-3-1 है कि नहीं, ये थोड़ा सा हमको सर्किट को स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम पता कर सकते हैं कि ये 4-3-1 है कि नहीं। यहाँ पे 4-3-1 कोई भी अगर है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहाँ पे बेसिकली फीडबैक जाता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बेसिकली और भी बहुत तरीके से फीडबैक बनाया जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि वो एक्चुअल में स्टडी करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और कोई भी सर्किट को आप अगर स्टडी कर रहे हो तो वो अगर कॉमन नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। एकदम आपको स्टार्टिंग लेवल से उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना होता है, तभी आप यहाँ पे जो सर्किट है उसको स्टडी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इससे कुछ, यहाँ पे 1 वोल्ट बनना चाहिए जो कि बन रहा है 5.4 वोल्ट, तो इसीलिए ये दिक्कत आ रहा था कि 3 वोल्ट आ रहा था। तो अभी तो हमारा 5 वोल्ट बन गया, 12 वोल्ट बन गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमको अभी ढूंढना है जो 12 वोल्ट का फीडबैक है वो कहाँ से पहुंच रहा है। तो यहाँ पे मेरे को एक डाउट लग रहा है, 12 वोल्ट यहाँ पे है, 2.4 वोल्ट गया, ये 2.4 वोल्ट का ही हमको जरूरत है, ये वाला 2.4 वोल्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बेसिकली यहाँ पे 2.4 वोल्ट बन रहा है, एक्चुअल में एखाने 2.5 वोल्ट बनना चाहिए, 19-20 वोल्ट पर शायद ये ज्यादा हो जाएगा। तो
तो मेरे को ए वाला जो 413 है ये मेरे को लग रहा है कनेक्शन देख के। 413 यूज होना काफी कॉमन बात है, मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होता है, यूज केसेस बहुत ज्यादा है और बहुत ही अच्छा एक SMPS फीडबैक के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो देखते हैं कि ये वाला वो चीज है कि नहीं। तो इसके साथ एक ग्राउंड अटैच रहता है, देखते हैं ग्राउंड है कि नहीं, नेगेटिव है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, ये कोई वैल्यू नहीं। तो ये वो ग्राउंड है, ये शायद यहाँ पे जो 2.4 वोल्ट है यहाँ पे आ सकता है, डाउट ऐसा है। ठीक है, जो मैंने देखा यहाँ पे ये वाला ही जो R6G इसका मार्किंग है, इसका हिसाब से जो मैंने एस मैनुअल पे देखा इसका जो नंबर है एक्चुअल में वो है 431। ठीक है, तो 431 यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक तो ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ और कनेक्शन, ये बेसिकली खराब हो सकता है मेरे को जो लग रहा है, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा अलग दिख रहा है। तो पहले तो इसको खोल देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि खोल दिया तो मैंने टूटा ही दिया पूरा, ठीक है, माल पूरा टूट गया। तो अभी हमको एक वोल्टेज मेरे को मिलना चाहिए जो कि है इस वाले पिन पर, दिखाता हूं मैं। ये वाले पिन पर हमको कुछ 1 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है और यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है, सही है। तो ये वोल्टेज आ रहा है कहाँ से, यहाँ पे बहुत ही कम वोल्टेज है, 0.12, इतना कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2.4 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे 2.4 वोल्ट बन रहा है जो कि नहीं बनना चाहिए ऑब्वियसली। 12 वोल्ट पर तो 2.4 वोल्ट नहीं बनना चाहिए, उससे थोड़ा सा हाई वोल्टेज पर बनना चाहिए। इसके बाद 0.5 हो रहा है, ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस, फ्यूज रेजिस्टेंस के तरह काम करता है। देखते हैं ये एक्चुअल में इसका कोई कनेक्शन है कि नहीं, देखते हैं। एक्चुअली RT लिखा हुआ है, तो ये फ्यूज रेजिस्टेंस शायद खराब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो 143 है वो शायद खराब हो गया था। तो इस जगह पर हम एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो पहले तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे, बाद में हम देखेंगे कंपोनेंट, और यहाँ पे एक 431 लगाते हैं, उसके बाद इस ऑप्टोकोपलर को हम फीडबैक को खोल देंगे, उसके बाद लाइन देंगे। तो उससे पहले ऑब्वियसली हमको
1431 लगाना है, उसके बाद ऑप्टो कपलर पर कितना वोल्टेज है वो हमको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 431 यहाँ से एक मिल जाएगा, तो इसका भी पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम है कि नहीं वो पहले तो देख लेते हैं, क्योंकि धोखा बहुत लोग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में धोखा अलाउ नहीं है, तो नेगेटिव ये वाला होना चाहिए जो कि 700 के आसपास दिख रहा है। तो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मेरे को तो यही लगता है। है तो ये 431 एकदम मार्किंग लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला का ग्राउंड वाला हिस्सा है, ये मिडिल वाला पिन ये ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, और यहाँ पे इस साइड का ये वाला पॉइंट है, और तो एकदम ही उलट पुलट उसका काम करने का तरीका है, क्या करेंगे वही सोच रहे हैं, कुछ सोचता है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या कुछ किया है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे जो फ्यूज रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगाया, उसके बाद यहाँ पे 431 को थोड़ा सा घुमा के लगाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे लंबाई में था, ये मिडिल वाला पिन पहले यहाँ पे था और यहाँ पे मतलब कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे दो था यहाँ पे एक था, अभी मैंने कर दिया है कुछ अलग से। तो चलिए काम कर रहा है कि नहीं वो आप लोगों को दिखा देता है। तो यहाँ पे 20.62 आ चुका है, तो हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे तो आप कोई भी चीज को रिपेयर कर सकते हो काफी इजी से। तो इस तरीके से हमारा ये SMPS कम्प्लीटली वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।